तेलंगानार जगतियाल रे एक जनसभा को संबोधित करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना रे केंद्र सरकार को अनुदान कारण विकास रो गति द्रुत होईछि, एथिपई तेलंगाना रे बीजेपी प्रति लोकंक समर्थन वृद्धि पाउछि। तेलंगाना लोकंकर बीजेपी प्रति भल पाइबा ही प्रमाणित करूछि। निर्वाचन परे तेलंगाना रे कांग्रेस व टीआरएस रो सत्ता हजिजिब। जगतियाल रे मोदी पुणि थरे कहिसेंति जून 4 रे एनडीए 400 पार। और सिकंदराबाद टीआरएस और कांग्रेस की मिली भगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए, कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जमकर के मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी सिवाय कुछ करते हैं क्या ये लोग? इनके मुंह से कभी भारत मां की जय सुना क्या? मोदी को 100 बार बोलते हैं, मां भारत को एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है, इदी मोदी गारंटी। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।